जूनागढ़ शहर के पूर्व में गिरनार पर्वत के रास्ते में शिलालेखों वाली यह चट्टान स्थित है। ये 10 फीट ऊंची ग्रेनाइट चट्टान प्राचीन भारत के 3 राजाओं के शिलालेखों को समेटे हुए है। पहला शिलालेख सम्राट अशोक के धर्मोद्यात है, जिन्हें लगभग 257 BC में पत्थर पर केवाया गया था। ये शिलालेख चट्टान के उत्तर पूर्व भाग में 2 खंडों में बने हुए हैं। ये हमें अशोक और उनके शासनकाल के दौरान बनाए गए नियमों के बारे में बताते हैं। दूसरा शिलालेख शक पश्चिमी क्षत्रप शासक रुद्रदामन प्रथम के शासन के दौरान लगभग 150 ईस्वी में बनाया गया था। इसमें सुदर्शन झील के रखरखाव के लिए किए गए जीर्णोद्धार कार्यों का उल्लेख है। तीसरा शिलालेख गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासन के दौरान बनाया गया था। शिलालेख के पहले भाग में सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख है। कहा जाता है कि सौराष्ट्र के गवर्नर चक्रपालित ने भयंकर बारिश के दौरान 455 ईस्वी में टूटी हुई सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। शिलालेख के दूसरे भाग में चक्रपालित द्वारा 2 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख है। ये शिलालेख प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा किए गए लोक कार्यों का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है।